तस्यास्तदा कर्णभृशातुरं स्वरं घ्नन्त्याकराभ्यां मुरवच्छकैरपि प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्त्यकं ददर्श बालं सहसामृतं सुतम्। तस्या वो धाई गई थी ना दौड़ के अंदर और लाने के लिए बच्चे को जगा के और गई और उसने जोकर जो उसके हाल हुआ था तो वह तदाकरणीय उसने चिल्ला करके बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वो कैसे चिल्लाई थी? भृशातुरम स्वरम। और भृशातुरम अत्यंत आतुरता के कारण से, अतिशय आतुरता से जो स्वर निकलता है, वाणी की आवाज होती है, उसे सुनाई हो। और यह भी सुनी क्या? घनंत्या कराभ्याम मुरह चकैरपि। और हाथों से अपने छाती को पीटते हुए जोर से उच्चकैरपि भृशातुरम स्वरम आकरणीय सुन करके वो घबरा, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, ऐसा रानी समझ गई। और प्रविश्य राजी, वह राजी भी उस कमरे में प्रवेश कर गई। त्वरया आत्मजान्तिकम्, शीघ्रता पूर्वक तेजी से भागते हुए आत्मज के पुत्र के नजदीक पहुंच गई। ददर्श बालम सहसा मृतम सुतम, झटित उसने क्या देखा? मरा हुआ उस बेटे को उसने वहां देखा। बालम और सुतम इसलिए कह दिया, पुत्र है और अभी बिल्कुल ही छोटा बच्चा है, उसे मृत उसने देखा। तमृताम ददर्श, तब क्या हुआ? पपात भूमो परिवृद्धया शुचा, मुमोह विभ्रष्ट शिरो रुहां भरा। कहते पपात भूमो परिवृद्धया शुचा, अत्यंत शोक की अभिवृद्धि होने पर वो जमीन पर गिर पड़ी। विभ्रष्ट शिरो रुहां भरा, मोह, मोह के कारण से जो है विभ्रष्ट शिरो रुह, उसके बाले भी बिखर गए और उस बालों के, सर के बालों के ऊपर जो क्या है वो बोलते हिंदी में ढकते ना सामने घुंघट, वो भी निकल गया, उड़ गया हवा में अंबर। श्रोरो भी विभ्रष्ट हो गया और उस पर विद्यमान जो अंबर था, कपड़ा था, वह जो है वो भी विभ्रष्ट हो गया। इस प्रकार से मोह, अत्यंत मोह को प्राप्त हुई वह शोक की अभिवृद्धि के कारण से जमीन पर गिर पड़ी। ततो नृपांत पुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम्, आगत्य तुल्य व्यसना सुदुःखिता ताश्च विलीकम् रुरुदुःकृतागसः। ततो नृपांत पुरवर्तिनः, उस राजा के, उस राजमहल के भीतर में रहने वाले अन्य जितने भी लोग हैं, नर नारी सभी उसे देखकर आए और बड़ी दुखी होकर रोने लगे। ये तो वास्तव में दुखी होकर रोए ये सब, अब जो है झूठे लोग जो है रोने वाले भी आ गए, जिन्होंने जहर दे के मार डाला और अब झूठे रोने के ड्रामा रच रहे हैं। आगत्य तुल्य व्यसना सुदुखता, तुल्य व्यसना, देखने में बाहर से तो वैसे ही कर रही है, छाती पीट रही है, रो रही है सब कुछ, और भयंकर दुखी, सुदुखता है, सुष्ट दुख है, अच्छा दुख है इनके पास। ताहा कौन? वो अन्य जो औरतें जो मैं बैठक करके जो जहर देने का तय करके दे रखे हैं, वो सारी की सारी औरतें वेली काम रो दो, अरे झूठी रोना रो रहे थे, है ना, ये सब रुदाली बन गए एक तरह से, रुदाली होती ना, रुदाली, रुदाली बन गए हैं। रुदाली होते हैं जो खरीदा जाता है, पैसे से खरीद करके रुलाया जाता है, घर में कोई रोने वाला नहीं तो क्या करें, औरतों को खरीद लिया जाता है पैसों से, और वो छाती पीट पर ऐसे रोएगी जैसे उनकी खास उनकी ही बच्चा है, उनकी बच्चा है, उनके पति मर गया, ऐसे रोते, उनको रुदाली कहा जाता है। राजस्थान आदि में तो बहुत प्रसिद्ध है वो बात। हाँ, तो कहते हैं कि वे देखो सर्वत्र प्रसिद्ध तो है वो, तो उसी प्रकार से ये लोग ने वेलिकम रुदुकृतागसा, जिन्होंने पाप कर रखे हैं वे औरतें झूठी रोना रो रही हैं। श्रुत्वा मृतं पुत्रम् अलक्ष्यतांतकम् विनष्ट दृष्टि प्रपतन स्खलन पति स्नेहानुबंधैदितया श्वशाभृशम्
విమూర్ఛితోన్ ప్రకృతిర్ద్విజైర్వృధః శ్రుత్వా మృతం పుత్రం అలక్షితాంతకం. जिसके मृत्यु इतने जल्दी आई करके कोई अनुमान भी नहीं कर सकता है, सोच ही नहीं सकता था, ऐसे अंत जिसके अलक्षित है उस प्रकार उस पुत्र के मृत्यु को सुन करके विनष्ट दृष्टि प्रपतन स्खलन पति, वहां से सुन के आई रहा था मार्ग में ही विनष्ट दृष्टि सन अपना विवेक दृष्टि को खो करके वह गिर पड़ा, बेहोश हो गया राजा. स्नेहानुबंधित या शुचा वृषम, स्नेह के द्वारा बंधा हुआ एधित शुक वाले होकर के, शोक वाला होकर के अत्यधिक अतिशयेन वृद्धि को प्राप्त किया हुआ शोक से युक्त होकर के विमूर्छित अनुप्रकृति द्विजैर्वृतः, विमूर्छित होकर के अनुगता प्रकृति अमात्यालयो, पीछे पीछे उसके अमात्यालय जो प्रकृति है सारे जो सप्त प्रकार प्रतिबद्धाएगा राजा की सारे तरह से रोने लग गए. द्विजैर्वृतः, अन्य ब्राह्मण आदि जो उसके हितैषी लोग है वे भी जो है ना सभी के सभी वहां पर युक्त होकर के उस स्थल पर पहुंच गए हैं. तब क्या हो रहा है तो अगले श्लोक में कहते हैं, पपात बालस्य सपाद मूले मृतस्य विस्रस्त शिरोरुहांबर दीर्घम श्वसन वाष्प कलो परोधतो निरुद्ध कंटो न शशाक भाषितुम. बालक के चरण कमल पर चरण मूल पर वह गिर पड़ा. बालस्य पाद मूले सपपात मृतस्य विस्रस्त शिरोर आम्बर, यह भी अपने सर पर कुछ पगड़ी जिसे बांध रखा हुआ राजा है, हाँ? उसके भी बाल बिखर गए, उसके कपड़े भी बिखर गए उस मृत को देख करके. दीर्घम श्वसन, वो मृत से बालस्य का विशेषण, मृत बालक के पादमूल में गिर पड़ा और कैसा गिर पड़ा है उसका हालत बता रहे हैं. विस्रस्त शिरोरुहांबर हो, दीर्घम श्वसन बाष्प कलोप रोध, तो लंबी लंबी श्वास ले रहा है, आंसुओं के कारण से उसके कंठा और रोध हो गया है, आंखें भी अवरुद्ध हो रही हैं, निरुद्ध कंठसन भाषितुम अपि न शशाक, कुछ बोल नहीं पा रहा है, समर्थ नहीं हो पा रहा कुछ बोलने में. पतिम निरीक्षोर सुचार्पितम तदा मृतंच कालम सुतमेक संततिम जनस्य राजी प्रकृतिश्च हृद्रुजम सती दधाना विललाप चित्रधा. अनेक प्रकार से होशावेश नहीं, कैसे रो रही है, क्या है, क्या नहीं है रानी है. पतिम निरीक्षो, पति को देखी, ओहो ऊर सुचार्पितम पतिम, विविध प्रकार के शोक से, विभिन्न प्रकार के द्वारा अत्यधिक शोक से युक्त अपने पति को जब देखी. मृदंच बालम सुतम, और मरा हुआ अपने एकमात्र संतान बता उस बालक को देख करके जनस्य राजी प्रकृतेश्च, राजी रानी प्रकृतेश्च, उसकी जो अपनी सखियां वे सारी की सारी जनता के सहित हृद्रुजमसन हृदय की में पीड़ा युक्त होकर सती दधाना विलाप चित्रधा, विभिन्न प्रकार से विलाप करने लगी उस बच्चे को अपने छाती से लगाते हुए. स्तनद्वयम् कुंकुम गंध मंडितम निशिंचति सांजन वाष्प बिंदु विकीर्य केशे केशान विगलत स्रज सुतम शशोच चित्रम कुररी व सुस्वरम. जैसे कुररी पक्षी होती है, चकवा चकवी सुनने को मिलता है, देखने को आज तक मिला नहीं, एक चकवा चकवी कोई पक्षी होते हैं, एक मर जाना तो दूसरा उसके बगल में उसको पकड़ पकड़ता है, बार बार उधर करता है उधर करता है, रोता है, रोते 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 दूसरा भी मर जाता है साथ साथ, इतना उनका आपसे अगाध प्रेम होता है. चकवा चकवी का प्रेम के दृष्टांत से सब जगह दिया गया है. जैसे कुररी पक्षी सुस्वर चित्रम शिशोचा, अत्यंत चित्र स्वर से रोती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार से सुतम अपने पुत्र के सामने रोते हुए विकीर्य केशान विगलत सजा, केशों को बिखेर लिया गया है और इसके गले की मालाएं गिरकर मानो उस बच्चे के गले की ओर जा रहा है. स्तनद्वयं कुंकुम गंध मंडितम, जो स्तनद्वय पहले कुंकुम आदि से अलंकृत कर ली गई थी,
अब खून आंसुओं के कारण से क्या हो गया, मानो खून की धारा बह रहा हो, वो आंसुओं के पानी जो कुमकुम पर पड़ा और कुमकुम गल करके उससे जो है ऊपर से निकल रहा है। निशिंचति सांचन वाष्प बिंदु भी, अंजन से युक्त वाष्प जो सांचन वाष्प बिंदु भी निशिंचति, आंसुओं की बूंद से युक्त होकर के, और वे कैसे आंखों में केवल आंसू नहीं आ रहा है, वो अंजना का कालिकपन भी आ रहा है। आंखों में अंजन लगाते हैं ना काला काला, वो उसके कारण जो कालापन भी आ गया, और ये लाल लाल जो अपने स्तन पर था कुमकुम आदि, उस साथ मिलते हुए भीगता वो जब जब कुमकुम के साथ निकला और लाल काला मिला हुआ रंग का क्या हालत होगा है? वो पानी जो है ना उसे माने एक तरह से बच्चे को नहला रही, इतना आंसू बह रहा है। अहो विघातस्तमती व बालिश, अब भगवान को साप देने लगी, डांटने लगी, भगवान को विनम्र कर के कोसने लगी है। कहती क्या भगवान है, तुम बच्चा हो, अकल नहीं तेरे पास इतनी भी है, पैदा तो कर देते हो सृष्टि, इतना भी अकल नहीं, अरे माँ बाप की आयु से ज्यादा आयु देना चाहिए बच्चे को, तुम क्या सृष्टि के करता हो बताओ, ऐसे खूब उल्टा पुल्टा बोलेगी। अहो विधातस्तमती व बालिशो यस्ताप्त सृष्टि प्रतिरूप हसे परे अनुजीवत्य परस्य या मृत्युर इपरयश्चित्तमसि ध्रुवः परः। ओ विदाता, रे विदाता तू कैसा है भाई, अतीव बालिशोत्तम, तुम महामूर्ख है, यहाँ बालिश तत्पर्य मूर्खता, तुम महामूर्ख है, तू कैसी सृष्टि निर्माण कर रहा है बैठे बैठे वहां पर है। यस्तु आत्म सृष्टि अप्रतिरूपम, जो तुमने अपने आत्म अपने ही से बनाए हुए सृष्टि को अप्रतिरूप सृष्टि बना रहे हो। परे अनुजीवती, माँ बाप जिंदे हैं, अपर स्मृति, और बेटा मर जाए, ये कैसा उल्टी सृष्टि तुम्हारी बन रही है। और चाहते हो दुनिया भर के लोग है ना, जैसे तुमने पहले जाया में सात करके पुत्र में सात वगैरह कर डाला, वैसे सारी दुनिया करते रहे, चाहते तो यही परंपरा, तुम सब गृहस्थी बने, सब बच्चा पैदा करे, और ऊपर से जो पैदा किया उसको मार भी डालते हो, तुम कैसे आदमी हो। ये तुम ध्रुव हो, पर हो, अपने मर्जी से संतान देने के सामर्थ्य वाले हो, तो निश्चित तुम विपर्य कर रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो। और ये कहते भाई हम तो कुछ देते देते हैं नहीं भाई, हम कहा बच्चा चतरे को दिया है, वो तो तुम्हारे कर्मानुसार ने पैदा हुआ, वो बच्चे का अपना कर्म के अनुसार मर गया, हमारे क्या दोष है। ऐसे तो ब्रह्मा जी कहते हैं, पर तुम कहा का ईश्वर है, है? यदि हम अपने कर्मों से हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, तुम्हारे ईश्वर से क्या मतलब है हमारा, फालतू हो ईश्वर बीच में, हाँ नहीं क्रमश्चेत यह मृत्यु जन्मनो शरीर नामस्तु तदात्म कर्म भी यह स्नेह पाशो निज स्वर्ग वृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृश्चसी विवृश्चसी। कहते हैं देखो यदि इसमें कोई क्रम नहीं है, कौन पहला पैदा होगा, कौन पहला मरेगा, इसे कोई हिसाब किताब नहीं है, बाप पहले मर सकता है, बेटा पहले मर सकता है, कोई भरोसा नहीं। एक आदमी था पहले ये योग निकेतन करके, उनके भी ऐसे सारे संतान मर गए खटखट खटखट, बुढ़ा भी जिंदा, अंत में एक बेटा बच्चा था उससे पहले मर गया, अच्छा हुआ, नहीं तो वो भी मरने के बाद वो मरता तो उसको कौन आग लगाता, बड़ा मुश्किल थी व्यवस्था देना। तो ये भी बड़ा आश्चर्य की घटना है ना, कितने पुत्रों की मृत्यु को झेलना पड़ा उस बाप को, कितना पापी होगा वो नहीं। और लेकिन ज्ञान के अवसर मिला, आश्रम में रहा, लेकिन आश्रम के मैनेजर उनके पैसा हाई पैसा हाई पैसा, कौन विधि से कितना देते यही देखते रहता, बताओ अवसर खो लिया। और इन लोगों को जो कितना एक ही संतान और मर गया, अवसर कितना सुंदर मिल गया, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त हो जाएगा। तो यही विलक्षणता है, ये सब इसलिए घटनाएं घटते हैं विपरीत क्रम से, आदमी को वैराग्य प्राप्त हो जाए और अपना वास्तविक जो लक्ष्य मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके, इसके लिए एक अवसर प्रदान करते हैं ईश्वर। इसको समझे भी ना, ये रोते हुए कह रही है नहीं क्रमश्चेत, बाप पहले जन्मा है बेटा बाद में जन्मा है, इसे पहले बाप को मरनी चाहिए बाद में बेटा को मरना चाहिए, ऐसे क्रम की कोई व्यवस्था नहीं है कहते हो, मृत्यु जन्म नो नहीं क्रमश्चेत तरी शरीर नाम अस्तु तदात्म कर्म, फिर तो ठीक है, जीवों के अपने अपने कर्मों के द्वारा जन्म मृत्यु की व्यवस्था होते रहे, कि तुम्हारा बीच क्या मतलब है, तुम क्यों बीच टपके हो भी ईश्वर बीच में, ब्रह्मा बन के बैठे हो,
और उल्टा हम सब के स्नेह पाश में डाल देते हो। क्यों डाल रहे हो? यह स्नेह पाश हो निज सर्ग वृद्ध है, सृष्टि तुम्हारी और उस तुम्हारी सृष्टि को बढ़ाने के लिए, और हम सब के अंदर क्या है, माया जाल फेर दिया, स्नेह पाश डाल दिया। लड़का लड़की देखते हैं एक दूसरे को, मैग्नेट जैसे चुंबक जैसे चिपक जाते हैं और सारा गड़बड़ करते हैं। और तुम कैसी सृष्टि बना रखे हो, क्यों इसको कर रहे हो फिर है? और विपरीतम विगत स्वयं कृतस्ते, स्वयं तुमने स्नेह पाश को डाला और अब कसम क्या कर रहे हो, तम इमाम विवृष्टसी, उसको काट भी रहे हो, उल्टा उल्टा काम क्यों करते हो? बड़ा यही होता है जब इष्ट का मरने पर भगवान को उल्टा सीधा आदमी डांटता है, गाली देता है, साप देता है, सब करते है। यही इसका एक साधारण जीव के समान कर रही है। तंतात नरसि च माम कृपणाम अनाथाम त्यक्तुम विचक्ष पितरम दवशो कतप्तम अंजस्तरेम भवता अप्रजदुस्तरम यद् ध्वान्तं याहि अकरुणेन यमेन दूरम। अब अपने पुत्र से बोलने लगे, अब भगवान को कोस के क्या फायदा, दो श्लोक में भगवान को कोस लिया ब्रह्मा जी को विशेष रूपेण, और अब बोलने लगे हे पुत्र हे दाता तम नारस च माम कृपणाम अनाथाम त्यक्तुम, मुझ अनाथ हो वो छोड़ करके मुझ कृपण अनाथ रूपा माँ को त्याग कर तुम्हारा जाना इस समय में उचित नहीं है। विचक्ष पितरम तब शोक तप्तम, देखो बेटा आंख खोलो, शोक से तप्त अपने पिता को देखो क्या दुर्दशा है यहाँ। अंजस्तरे भवता प्रज दुस्तरम, हमने तो ये सोच रखा था कि दुस्तर संसार को अप्रज वाले जो हम लोग हैं वह दुस्तर संसार को भी तुम्हारे द्वारा अनायास तर जाएंगे, ऐसा सोचे थे। यद्धांतम न याहि अकरुणेन यमेन दूरम, यद्धांतम जो ये अंधकार हमारे अंदर आया है, हे यमेन दूरम यमेन अकरुणेन, जो अकरुणा करुणा रहित यमराज के द्वारा दूर तुम्हें ले जाया जा रहा है, और ऐसा आप तुम्हारा स्तर से जाना उचित नहीं है। रे जगो उत्तिष्ठतात्तैमे शिशवो वयस्यास ताम आह्वयन्ति नृपनन्दन संविहर्तुम सुप्तश्चिरं हि यशनया च भवान् परीतो भुंक्षस्तनं पिबशुचो हरणः स्वकानाम्। और हे ताता उत्तिष्ठ, अरे बेटा उठो उठो, देखो ना तुम्हारे इतने मित्रगण आए हुए हैं, सब बच्चे आस पड़ोस के बहुत आ गए हैं, इमे शिशु वयस्या तुम्हारे वय के बराबर शिशु बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं, तो हम आवयंती तुम्हें बुला रहे हैं, हैं? आपस में बोल रहे हैं हे नृपनंदना हे राजपुत्र संविहर तुम आवयंती, सात विहार करने के लिए खेलने के लिए तुमको बुला रहे हैं, उठो भाई उठो। सुप्तश्चिरम बहुत देर से तुम सो रहे हो, निश्चित रूप से तुमको चारों तरफ से हर प्रकार से जरूर भूख लगा होगा, भवान परितो अशनया भुंक्ष्व, इसलिए जो है अब कुछ भोजन पाओ, स्थनम पिब दूध तो कम से कम पियो, नहा स्वाकाना स्वकानांच शुचो हर, तुम हम माता पिता और तुम्हारे अपने स्वजनों के सभी का शोक का हरण करो। नाहं तनु जदृशे हतमंगलाते मुग्धस्मितं मुहितवीक्षण माननाब्जं किंवा गतोस्य पुनरन्नन्वयमन्यलोकं नीतो अग्रणीर्न शृणोमि कला निर्गिरस्ते। कार्ये नाहं तनुज, हे तनुज हे पुत्र, मेरे शरीर से पैदा हुआ पुत्र, नाहं व्रतं तत्पार्श्वम् आगता सती तव मुग्ध स्मितम वक्तम दर्शे दृष्टवती अस्मि। अरे भाई आज बताने कौन सा हमने गलती कर गया था, पहले मैं तुम्हारे पास नहीं आई और तुम्हारे मुस्कुराता हुआ या मंगलमय चेहरा को मैं देख नहीं सकी, उससे पहले ही तू चला गया। हे तनुजा अहम हत मंगला, निश्चित से मैं अपने मंगल चिन्हों से रहित हो चुकी हूँ समझो, क्यों ते मुग्ध स्मितम मुझद वीक्षमाण आननाब्जम
नददृशे, तेरा जो मुग्ध मैंने एकदम जो है ना भोला चेहरा मुस्कान से युक्त प्रसन्न चेहरा के जो है जो मुख कमल को मैं देखी न देख नहीं सकी। किं वा गतोसी अपुनरन्वयम्, अपुनरन्वयम् कहते हैं किं वा गतोसी, क्या तुम वहां चले गए हो जहां से तुम्हारा दोबारा लौटने की संभावना ही नहीं रह गई। अन्य लोकम नहीं तो अघ्रणे न, अरे वो निर्लज दुष्ट यमराज जी ने तुमको लगता है दूसरे लोक लेके चला गया है ताकि जो है दोबारा तेमारे तुथली भाषा वाले मीठी मीठी छोटी मोटी वाणी मैं सुन ही न सको जिंदगी में दोबारा। न श्रृणो मे कला गिरस्ते, श्री शुगोवाच विलपंत्यामृतम पुत्रम इति चित्र विलापन ही चित्र के तुर्भृशम दप्तो मुक्त कंठोर रोदह। विलपंत्यामृतम पुत्रम, इस प्रकार से मृत पुत्र को देखते हुए चित्र विचित्र विलापन के द्वारा अनेक प्रकार के बड़बड़ाती हुई उल्टी फुलटी सालतू फालतू बातें बोलती हुई वो बेचारी विलाप करती रही एक तरफ, और दूसरी तरफ चित्र के तो राजा भृशम तप्त, वह पुत्र वियोग से अत्यधिक तप्त हो जाने के कारण से मुक्त कंठ होकर रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। अब यह राजा रानी का दुर्दशा को देखने के बाद प्रजा क्या करती बेचारी है, वो भी सब दुखी जैसे हो जाता है ना, देश भर में एक विचित्र लहर चल पड़ता है जब घोषणा हो जाए रेडियो टीवी के द्वारा अमुक जो है आपका प्रधानमंत्री खत्म हो गया है नी, और रेडियो बाजा का जब भी ऐसा स्वर छोड़ देते हैं सुन के दिमाग घोल हो जाता है नहीं, वो म्यूजिक ही ऐसे होती है विलक्षण। और कभी 3 दिन कभी 7 दिन की शोक दिन मनाते कि नहीं मनाते, पूरा देश में कला की लहर, सब जगह मायूस हो जाते हैं, सारे गुंडागर्दी सारे जो दादागिरी नेतागिरी सब ठप नहीं, एकदम शांत रहता है, लगता है हमेशा ऐसा रह जाए तो सर अच्छा मजा आ जाएगा, हम महात्मा के लिए अच्छा रहेगा, ध्यान भजन समाधि लग जाएगा जल्दी, और चाय 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 चारों तरफ हो हल्ला नहीं, उससे तो ठीक था कभी ना कि रोज एक मरते रहे, रोज एक छोड़ सो जाए, हफ्ता में 2 मर जाए ऐसे विशेष, साल भर शोक दिवस हो जाए। अब तो एक ही तुम्हारा उसे तो एक राष्ट्र शोक संतान तो होगा नहीं ना, वो तो गद्दी में भी दिमाग नहीं भूतपूर्व है, अब आखिर भूत ही हो गया। तो और विलपतो सर्वे दंपत्योस्तदनु व्रदाः रुद्धोस्म नरा नार्य सर्वम आसीद चेतनम, कहते तयोर विलपतो, और राजा रानी दोनों के विलाप करता हुआ देख करके दंपत्यो हो सर्वे तदनुव्रता, सभी के सभी उनके अनुगामी लोग जो थे वे सभी के सभी रोने लगे। नरा नार्याः सर्वम अचेतनम आसी, सब का सब मन सारा देश अचेतन हुआ, जड़ता को प्राप्त मायूस हो गए। एवं कश्मलमापन्नम नष्ट संयम अनायकम जाप्तं गिरा नाम मुनिराज गाम सनारद, इस प्रकार से कश्मल को प्राप्त किया हुआ अत्यंत दुख से पीड़ित मोह से युक्त नष्ट संयम विवेकहीन हो गया और कोई उपदेश देने वाला ही नहीं, और राजगुरु ये जितने कुल गुरु फुल गुरु जितने भी गुरु थे वो सब भी ठंडे पड़ गए हैं, वो भी शोकतम संतप्त क्या हो गया, बड़ा मुश्किल से तो एक राजकुमार हुआ था वो भी चला गया, बड़ा मुश्किल काम है, सबके विवेक गड़बड़ हो गया। अब ये अंगिरा महर्षि ने देख के तो सारा काम बिगड़ गया है, ये तो यूं पड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा संसार का। अंगिरा नामक ऋषि इस बात को जान करके सनारद नारद जी के साथ, क्यों सीधे जाए तो पता नहीं क्या होगा, नारद जी को सपोर्ट में ले लिया, क्यों खुद इन्होंने दे रखा है, और कहेंगे आपने ऐसे क्यों दिया, छोटे उम्र वाला थोड़े उम्र वाले को देते 100 साल वाले को जब देना ही था, बिगड़ जाते ना जाते हैं, इसलिए दूसरा भी चाल है अब आगे बताएंगे। दोनों अपने वेश में नहीं थे, डुप्लीकेट वेश पहन के गए, सन्यासी बन के चले गए, अंगिरा महर्षि नारद महर्षि दोनों ही साधु वेश में पहुंच गए। वो भी पूछेगा राजा पर लगता तो आप ऐसे नहीं बड़ा विशेष होंगे, तब वो कहेंगे हाँ भाई हम अंगिरा हैं और ये नारद जी, तब बताएंगे हाँ, क्योंकि भाई शोक संतप्त परिवार के बीच में घुसना बड़ा मुश्किल होता है,
उल्टा सीधा सुना देंगे आप। हाँ घुस ही नहीं सकते। वो भी ऐसे जिस व्यक्ति ने संतान दिया और अल्प आयु वाला संतान देकर तुम पहुंच जाओ मरने के समय पे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मारेंगे पहले चारों, उसके बाद बात करेंगे ना। तो इसीलिए वे जानते हैं, इसे नकली वेश पहन गए। श्री शुकवाच ऊच तुर मृतको पानते पजितम मृतको पमम शोकाभिभूतम राजानम बोधयंतो सदुक्तिभिः। ऊच तो मृतकोपका उपांते, मृतक के नजदीक में पतितम मृतकोपम एक खुद मैवे जैसे गिरे पड़े हुए उन दोनों के सामने खड़े होकर के शोक से विभूत उस राजा को बोधन कराते हुए, उसको भी जागृत करते हुए, वेग प्रदान करते हुए सत उक्तियों के द्वारा ऊंचे तो कथन करने लगे। कोयम सत्व राजेंद्र भवान्यम मनुषोचति त्वंचास्य कथम श्रेष्ठो पुराइदानी मत परम। सबसे पहले कहते हैं भाई तुम जिसको उद्देश्य करके रो रहे हो है कौन है? किसको उद्देश्य करके तुम रो रहे हो? क्या है ये तुम्हारा, कोई संबंध है? कोयम सात तव हे राजेंद्र अयम तव कह सियात, ये जो मरा पड़ा बच्चा है इसका तेरा क्या रिश्ता है? यम भवान अनुशोचति, जिसको उद्देश्य करके तुम बड़ा अनुशोक कर रहे जा रहे हो। त्वंचा से कथम सृष्टो, और दूसरी बात इस सृष्टि में तुम हो कौन है? पूरा इदानीम अथ पर, पहले इस सृष्टि में तू क्या था, अब क्या है और आगे तू क्या होगा, पता है तेरे को कुछ? बेफाल तो रोए जाते हो अंगिरा महर्षि। यथा प्रयांति संयांति स्रोतो वेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। बड़ा सुंदर स्थान से समझा रहे हैं, जिस प्रकार संसार रूपी नदी बह रही है, इस संसार रूपी नदी निरंतर चल रही है, चलती हुई इस नदी के तट पे अनेकों कणों को क्या करती है, नदी जैसे चलती है तो इधर का बाल उधर, उधर का बाल उधर, उधर का बाल उधर, संयोग कर रहा है, वियोग हो रहा है, चल रहा है धंधा। यानी किस बालुका का किस बालुका से संबंध हो जाएगा, फिर वहां से कब उसका वेग फिर आगे कहां बढ़ेगा, कुछ पता है क्या? उसी प्रकार से जीव चराचर सबका हाल है संसार के अंदर। कहते इसलिए स्रोतो वेगे न बालुका यथा प्रयांति संयांति तथा काले न देहि न संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते यथा धाना सुवै धाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि चोदितानि च मायया। तो वो लोग कह सकते हैं ठीक है ऐसा होते रहता हो, लेकिन जिससे जो पैदा हुआ है उसका तो संबंध होना चाहिए कुछ। कहते वो भी नहीं होता, जिस गेहूं से जो गेहूं पैदा हो रखा है उनका क्या नाता है बताओ? जिस गेहूं से जो अन्य गेहूं पैदा हो गए उन गेहूं का माँ बाप के बाप बेटा का संबंध बनेगा, वैसे तेरे से पैदा हो तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या नाता है? जबरदस्ती बना रखी है मेरा पुत्र करके, कोई किसका बाप नहीं, कोई किसका माँ नहीं, कोई किसका पुत्र नहीं, सब ढोंग चल रहा है, माया का जाल चल रहा है। ईश माया ब्राह्मण सर्वा भूतानी यंत्रारूढ़ानी मायया, उसी को कह रहे यथा धाना सुई धाना भवंती, एक बीज से अनेकों बीज जैसा पैदा हो जाते हैं, और कोई जरूरी नहीं प्रत्येक बीज से पैदा ही हो गए, न भवन्ति च नहीं भी होते। इसी प्रकार कोई जरूरी हर आदमी से संतान पैदा हो, और जो पैदा होकर संबंध बना रहे भी कोई जरूरी, एवं भूतेषु भूतानि चोदितानि च मायया, भगवान के माया से इसी प्रकार से एक भूत में दूसरे भूत का दूसरे तीसरे भूत के साथ संबंध परस्पर प्रेरणा ईश्वर की माया से प्रेरित होकर के सब कुछ चल रहा है। चोदितानि भूतानि भूतेषु भवन्ति एतावन्तं कालं, क्योंकि मन में था ना उसका, अरे अब तक तो मेरा पुत्र था, हाँ अभिप्राय भले बता दिया भाई, स्रोत में जैसा होता है वालों के समान संबंध होता है, फिर टूटता है काल के द्वारा, हो काल रूपी वेग से सब होते जाते रहते हैं, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कहते लेकिन इतने समय तक तो हमारा पुत्र था, तब उसके जवाब दिया नहीं
ये तुम्हारी भ्रांति है, जब तक वो पैदा होकर आ रहा तब तक भी वो तुम्हारा पुत्र नहीं था, ये तुमने अपने मोह से अपने बुद्धि से संबंध जोड़ के कह लिया और मान लिया मेरा बेटा, ऐसे तुम जबरदस्ती मान रखे। और वो भी कान में भर भर गए, ये कौन है, क्या पूछते, ये कौन है, उसे कहवाते जोर से, बोलो ना पापा, उसे बुलवाते, वो भी कहेगा पापा क्या करे नहीं, संस्कार जबरदस्ती ठोस दिया, नहीं तो उसको क्या मालूम कौन बाप कौन माँ कौन क्या, उसे क्या मालूम है कौन मामा है क्या है, उस बच्चे कुछ पता है क्या, जन्म जात कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, उसे खोपड़ी में भरते हैं भरते हैं भरते हैं भरते हैं, दुनिया भर का भर देते हैं, सारा संसार का खचड़ा उसके खोपड़ी में डाल देते, बेचारा क्या करे, बड़ा होने यही सोचिए मेरे पिताजी मेरे माँ है मेरी माँ है मामा है अमुक है दमुक है, सारा संबंध ये चलता है, न डाले तो है कहाँ कुछ उसकी खोपड़ी में, कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो ये सब तुम ही लोगों ने भर के अपने अंदर भर लिया और उसे भरने के प्रयास किया था, वास्तव में कुछ है ही नहीं, ये संबंध ही नहीं होते। इसलिए कहते हैं जैसे धानाशु बीजेशु धाना बीजांतराणि भवन्ति काश्चित कदाचित न भवन्ति नोत्पद्यन्ते नश्यन्ति च भवन्ते एव तिष्ठन्ति एव दिवा नियम, इसलिए कोई नियम नहीं रहा, इससे यही होता ही है उससे वही नहीं होता ही है, ऐसा कोई नियमन आप नहीं कर सकते, इस माया में कोई भरोसा नहीं किससे कब क्या पैदा हो जावे, है क्या भरोसा, पता ही नहीं किससे कब क्या पैदा हो जाता है, कुछ मालूम नहीं है, अब सब ब्रह्मचारी हैं सब महात्मा हैं, भरोसा नहीं है क्या भरोसा, इसकी माया फेर देता है तो कोई ना कोई देवी आ जाती है काम पूरा हो जाता है, कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मरने के क्षण तक सतर्क रहना पड़ता है साधु। पहले एक दृष्टांत दिया था ना वेश्या और साधु की, तो साधु ने कभी नहीं बोला हाँ हम महात्मा है संत है, कभी नहीं, मरते वक्त कहा कि हाँ हम संत है, जब ये तय हो गया अब हमारी कोई इंद्रियां गड़बड़ नहीं कर सकती, तो इसीलिए ये मुख्य चीज है, कभी क्या होता है इसके माया से कोई भरोसा नहीं, कोई नियम ही नहीं है, कोई गारंटी नहीं किसी चीज की। वयं च त्वञ्चये चे मे तुल्य कालाश्चराचरा जन्म मृत्यो यथा पश्चात प्रांग नैवं मधुनापि भो, और समझाते हुए कहते उन्हीं बातों को देखो, सर्वसाधारण दृष्टिकोण से देखिए आप, पुत्र यदि है भी तो भी वो शोचनीय नहीं है, यदि पुत्र है भी वह मर भी गया हो तो भी शोक करना नहीं चाहिए, क्या शोक क्यों करना है, वयम च देख हम सब तुल्य काल वर्तमान काल में रह रहे कि नहीं रह रहे, तुल्य काल में वर्तमान काल ही ना, कौन कौन वयम च तुम च एच ही में, और ये जो तुम्हारे चार तरफ यहां से विद्यमान जो सैकड़ों लोग या हजारों लोग इकट्ठे इस समय में सब के सब, जन्म मृत्यु और यथा पश्चात प्रांग नैव मधुना विभो, लेकिन बताओ जन्म न प्राक मृत्यु से पश्चात न संति, जन्म से पहले हम सब याद है नहीं, मरने के बाद कोई संबंध रहेगा नहीं, फिर वर्तमान को काय का संबंध बन रहा है, आदो अंते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्था, जब पहले हमारा आपका कोई संबंध नहीं था मरने के बाद कोई संबंध रहना नहीं है और वर्तमान में काय को संबंध जोड़ रहे हो, अनावश्यक, यही सब दुख का कारण बन गया, संबंध जोड़ने से दुख का कारण बनता है या नहीं, ये हमारे विद्यार्थी है कर ले तो दुख होएगा, अब चार छूट के चले जाएंगे तो मैं अरे चार तो हमारे कम हो गए बेचार बकरी भाग गई, अब हमारे है ही नहीं, हम आ रहे सुन रहे हैं चल रहे हैं ठीक है, ये बाजार लगी है ना, चार छह दुकान है यहाँ ज्यादा नहीं है, उन दुकान में कोई आ रहा है जा रहा है माल ले रहा है ठीक है, नहीं ले रहा है ठीक है, उसे कोई संबंध नहीं रखो तो जंगल लफड़ा होगा, दुख क्यों होगा, हम राजनीति क्यों करेंगे उसके दुकान में ज्यादा माल चले गए हमारे दुकान में कम आ गए, ये तब ना होगा कि हमारे तुम्हारे दुकान की लफड़ा रहे, अरे अपने कर्तव्य करो बाकी भगवान की मर्जी पर छोड़ो, संबंध को नहीं बढ़ाना चाहिए, जितनी संबंध बढ़ा लोगे उतनी ही दुख बढ़ते जाएगा,
जितने संबंध घटाओ उतना ही आप सुखी हैं और स्वरूपानुभूति की ओर वेदांत तत्व चिंतन वेदांतानुभूति की ओर आप जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं जन्म मृत्यु रथा पश्चात प्रांग नैवम अधुना पि भो, जब पहले नहीं था बाद में नहीं रहने वाला है, अधुना पि नैव हे भो संबोधन दिया, भूतानि भूतेश सृजत्यवति हम त्यज आत्मसृष्टैर स्वतंत्रैर अनपेक्षोपि बालवत। फिर ये सब क्यों चल रहा है मामला है? क्यों हम इकट्ठा हुए पिछड़े हुए थे, कभी थे कहीं मां क्या बता है? हो सकता है पहले हम लोगों का कभी किसी जन्म में संबंध रहा हो, बिछुड़ गए और फिर संबंध हो गया, फिर बिछुड़ोगे, ये तो वही मामला क्यों चल रहा है ये? तो कहते हैं इसमें कोई कारण ढूंढो मत, प्रयोजन नहीं, कारण ढूंढने से कारण मिलने वाला ही नहीं, वो भगवान जो है बच्चे के समान खेल खेल रहा है बस, वो खेल भी अपने मौज के नहीं खेल रहा, यूं ही खेल रहा है, पता नहीं क्यों खेल रहा है, खेल रहा है बस। बालवत इसने इस बच्चे से पूछो क्यों खेल रहे हो, अरे खेल रहा हूं खाली बैठा हूं कर रहा हूं, तो क्या मतलब है, वो खेल रहा है, क्यों खेल रहा है उसे मालूम नहीं, वो तो बड़े होने के आप समझते हैं मनोरंजन क्या होता है, खेलने से मनोरंजन होता है, ये छोटे बच्चे से पूछिए उसको पता ही नहीं खेलना क्या होता है, ज्यादा यही कहेगा वो अच्छा लगता है, खेलने से अच्छा लगता है इसलिए खेल रहा है, प्रयोजन क्या है तेरा, इसी तरह कोई ज्ञान मिल रहा है, कोई शिक्षा मिल रही है, इसी तरह मुक्ति मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, क्या होगा, पेट भरेगा तेरा, उसे कोई मतलब ही नहीं, वो तो हम तो मत पूछो, हमको अच्छा लग रहा है बस कर रहा है, ईश्वर को भी अच्छा लग रहा होगा कर रहा है, इसलिए बालवत दृष्टांत दिया है, अनपेक्षो भी बालवत भूतेर भूतानि भूतेश सृजति, भूतों का ईश वह परमात्मा भूतों के द्वारा भूतों को सृष्टि करता है। वहां पर भी तीन विकल्प समझ सकते हैं, सृष्टि आदि को जब कर रहा है तो अलग अलग समझो, भूतेर मने पित्रादि भी सृजति और राजादिवीर अवति और सर्पादिवीर हंति च, सएव जहा वही परमात्मा भूतेजना भूतों के द्वारा सृष्टि करता है और भूतों के द्वारा ही रक्षा करता है, भूतों के द्वारा ही खत्म भी कर देता है। इस प्रकार से आत्मसृष्टि अस्वतंत्र अनपेक्षो भूत ही, उसके साथ जो सब परमात्मा इधर सृष्ट है लेकिन वह अस्वतंत्र भी है, अस्वतंत्र भूतैर अनपेक्षोपि सन बालवत भूतेश सृजति हंत्यज, ऐसा नहीं हो जाएगा, लीलया करोति इत्यर्थ, बालवत का मतलब लीलया करोति, देहेन देहिनो राजन देहात देहो अभिजायते बीजा देव यथा बीजम देही अर्थैव शाश्वतः। ये जो जन्मादि व्यवहार है ना वो तो केवल शरीरों का है, आत्मा का नहीं, शरीर का खेल है, शरीर पैदा हो रहा है शरीर मर रहा है, ना हम पैदा हो रहे ना तुम पैदा हो रहे हो ना कोई मर रहा है, हम तुम आप सब जो भी है संसार ये सब में जो वास्तविक हम करके बोल रहा है, मैं करके जो ग्रहण कर रहा है वो आत्मा वह सत्य है और उसका कभी जन्म ना मृत्यु होता है। देहेन देहिन हे राजन देहेन देहात देहो अभिजायते देहिना, इस जीवात्मा का यह व्यवहार मात्र होता है, एक देह से दूसरा देह का किसी अन्य देह के द्वारा उत्पत्ति का व्यवहार हो जाता है, जैसे बीज से बीज की खेती में उत्पन्न हो जाता है, वह सब किस लिए होता है लेकिन देही अर्थ है वह शाश्वत आत्मनिष्ठ कामाय सर्वम प्रियम भवती, वही कहते देही अर्थ एव शाश्वत, देही अर्थ के देही का अपनी मनोकामनाओं का पूर्ति के लिए ही ये सारी चीजें निरंतर पैदा होते जा रहे हैं, सारी व्यवस्था चल रही है। जन्माधिवार इसलिए देही ना पितुर देहेना देही ना पुत्र से देह मातुर देहिनो देहाद अभिजायती इत्यर्थ, ऐसे समझना, देह देही विभागोयम अविवेक कृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तुनि कल्पितः। देह देही विभाग जो है वाक्य में अविवेक पूर्वक हम सबके द्वारा परिकल्पना करके ग्रहण किया हुआ है,
जैसे जाति व्यक्ति का विभाग है, ये घटत जाति चिन्ह घट है, घट व्यक्ति और घटत जाति दो भिन्न है क्या? आप घट व्यक्ति जो बाहर देख रहे हो उसी में घटत जाति व्याप्त है, घटत जाति और घटत घट रूपी व्यक्ति दो भिन्न वस्तु नहीं है। फिर भी आप परिकल्पना करते नहीं दो पदार्थ अलग अलग है, नहीं आए कौन तो स्पष्ट कर दिया सत पदार्थ में अलग अलग गिना दिया, द्रव्यम सामान्यम ऐसे अलग अलग गिना दिया, द्रव्यम गुणा गुण भी अलग कर दिया उन्होंने। इस तरह से भेद कौन ग्रहण कर रहा है? अविवेकी ही ग्रहण कर रहा है। यथा वस्तु निकल्पित उसी प्रकार से सब कल्पित मात्र ही है। श्री शुकोवाच एवं आश्वासित हो राजा चित्र केतुर्द्योक्ति भी प्रमृज पाणिना वक्त्रम आधिम्लानम भाषत। इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा आश्वासित किए जाने पर वह राजा चित्रकेतु द्विज के उन अंगिरा महर्षि की उक्तियों के द्वारा आश्वासित किए जाने पर अपने हाथों से जो आधि व्याधि कारण से मुरझा हुआ अपना चेहरा, पसीना से युक्त जो चेहरा और आंसुओं से युक्त चेहरा था, उसको उसने अपने हाथों से पोछ करके शुद्ध करते साफ करता हुआ उनसे बोलने लगा राजोवाच। इस तरह से ज्ञान के द्वारा क्या हुआ? एक धैर्य उसके अंदर आ, अब तक अधीर हो गया थे, क्या हो गया, घबराया हुआ था, अब उसके अंदर धैर्य आ गया। इतनी बात जब सुना थोड़ी विवेक जागृत हुई, अरे भाई हम क्या कर रहे हैं, समझ में आया उसको, चित्तानुचित विवेचन करने लगा और राजा से कहने लगा। राजा ने कहा उस दोनों मुनियों से, कौ युवां ज्ञान संपन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम अवधूतेन वेषेण गूढ़ाभिह समागतौ। आगे ना पूछा, हे राजा, राजा कह रहे हैं अरे दोनों मुनियों आप बताइए, मैं कौ युवां ज्ञान संपन्नौ, आप दोनों कौन है जो इतने अगाध ज्ञान से संपन्न है, पूज्यों में से पूज्य तमों में भी अत्यंत पूजनीय है, महीयसाम भी महिष्ठ हो, पूज्य तम पुरुषों में भी अत्यंत पूज्य आप दोनों हैं, अवधूतेन वेशेन गूढ़ौ और साधु वेश में छिप कर गए हुए जैसे लग रहे हैं, यह समागत हो इस हमारे संकट काल में समागम किए हुए आप दोनों कौन हैं? मुझे लगता है आप कोई साधारण संत भी नहीं हो सकते हैं। चरन्ति यवनौ कामं ब्राह्मणा भगवत प्रिया मादृशां ग्राम्य बुद्धिनां बोधायोन्मत्तलिंगिनः। इस पृथ्वी पर ब्राह्मणा भगवत प्रिया कामं चरन्ति, जो भगवान के परम भक्त, भगवान ही एकमात्र प्रिय तत्व संसार में जिनके लिए, ऐसे जो लोगों को कहा जाता है भगवत प्रिया ब्राह्मणा श्रेष्ठ लोग, वे इस पृथ्वी पर यथेच्छा कामम चरंती, कोई प्लानिंग नहीं होता पहले से ही उनका, कोई बुकिंग नहीं होता कहाँ जाना है, कहाँ कथा करनी, प्रवचन करनी है, अब उनके घर में मरने वाले हैं वहां जाएंगे बोलेंगे, ऐसे कोई प्लानिंग नहीं पहले से, कामम चरंती यथेच्छाचारी है ये। क्यों घूमते हैं ऐसे ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष लोग? कहे मादृशाम ग्राम्य बुद्धि नाम, मेरे जैसे जो जड़ बुद्धि वाले ग्राम्य बुद्धि वाले लोग हैं उनको मत्तलिंगिन सन बोधाय, जो है चरंधी मत्तलिंगी वाले होकर के उन्मत्त लिंगिन, हाँ उन्मत्त है, बोधाय उन्मत्त लिंगिन, उन्मत्त शिव लिंगम, पागल के समान अपनी वेशभूषा बनाए हुए व्यवहार करते हुए चलते रहते हैं। कुमारो नारद रिभोर, कौन हो सकता है वो संभाव बोल रहा है, इनमें से तो कोई आप तो नहीं है। कुमारो नारद रिभोर अंगिरा देवलो असित अपांतर तमो व्यासो मार्कंडेयो अथ गौतम वशिष्ठो भगवान राम कपिलो पादरायणी दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातु कर्ण्यस्तथारुणी रोमश्च श्यवनो दत्त आसुरी सपतंजलि ऋषिर्वेद शिरा बोध्य मुनि पंच शिरास्तथा हिरण्य नाभ कौसल्य श्रुतदेव हृदध्वज एते परे च सिद्धेशाः चरन्ति ज्ञान हेतवः। ये सब जो है ना सिद्ध पुरुष लोग सिद्धेशाः परे च एते, यही लोग नहीं परे च एते
परे चाहिए हैं। और भी इसी प्रकार से बहुत सारे श्रेष्ठ लोग हैं जो ज्ञान रूप एकमात्र साधन को लेकर के घूमते फिरते रहते हैं। तस्माद् वाम ग्राम्य पशोर मम मूढ़ाधिय प्रभु अंधे तमसि मग्नस्य ज्ञान दीप उदीर्यताम। तस्माद् इवाम आप दोनों जो हैं ग्राम्य पशोर मेरे जैसे जड़ बुद्धि वाला बूढ़ धिय ग्राम्य पशु भूता मेरे प्रभु हैं आप दोनों के दोनों। महान घोर अंधकार रूपी इस संसार में डूबा हुआ मेरे लिए एक ज्ञान रूपी दीपक को आप उजागर करें। तब अंगिरा महर्षि कहने लगे, अंगिरा वाच रे मैं वही हूं जो पहले आया था। जब तुम पुत्र की कामना से तड़प रहा था उस समय जो आया था वही मैं अंगिरा हूं। अहं ते पुत्र कामस्य पुत्र दो अस्म्यंगिरा नृप एष ब्रह्म सुतः साक्षात नारदो भगवान ऋषि। बता दिया भाई ये जब तुम पुत्र काम वाले थे उस समय पुत्र को देने के लिए आया हुआ अंगिरा महर्षि जो था वही मैं हूँ हे राजन। और सुनो ये जो दूसरे मेरे साथी ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये साक्षात ब्रह्मा जी का पुत्र नारद भगवान ऋषि देव ऋषि है ये, ऐसा समझो। तो बड़ा खुश हो गया होगा भाई, तो बड़ा अवसर हो गया, बढ़िया काम हो गया। पुत्र का मरने का शोक तो भूल ही गया होगा, अभी सब भूल जाएगा, इतना ज्ञान मिल गया, ऐसे महापुरुषों की कृपा हो गई। इत्थं तं पुत्र शोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे अत दर्हम अनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम। कहते हैं त्वाम महापुरुष गोचरम, तुम कैसे हो, वास्तव भगवान के प्रिय हो, भगवान के भक्त हो, और इस प्रकार से तुम शोक में मग्न हो और दुस्तरतम में डूबा हुआ तुम्हें देख करके पुत्र शोक के कारण से अतधर्म जो कि ऐसा करने योग्य तुम नहीं थे, लेकिन तेरे द्वारा ऐसे होता हुआ देख करके अनुस्मरण करके हम दोनों ही यहां पर आए हुए हैं। अनुग्रहाय भवत प्राप्ताव आवामिह प्रभो ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो नावसीदि तुम अर्हति। भवत अनुग्रहाय आप पर अनुग्रह करने के लिए हम दोनों के दोनों यहां पर पधारे हुए हैं हे राजन। ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो जो ब्राह्मणों का भक्त होता है भगवान का परम भक्त होता है वह ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का अवसाद करें ये उचित नहीं है। फिर क्या करना है उस पर विशेष चिंतन आरंभ होता है।